पद्मा पाइप्स। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर 24 न्यूज और आपके साथ मैं हूं संस्कृति जैन। दिखाते हैं आपने सिटी में आपके शहर की ताजा तरीन खबरें। भवानी मंडी में गुर्जर छात्र संघ अध्यक्ष राहुल गुर्जर के नेतृत्व में गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति संयोजक कर्नल किरोड़ी सिंह बेसला का गोपाल गौशाला भवानी मंडी में गायों को चारा खिलाकर कर्नल का जन्मदिन मनाया गया, जिसमें अजय गुर्जर, सूरज गुर्जर, प्रमाणंद गुर्जर, दिनेश गुर्जर, मुकेश गुर्जर, राहुल गुर्जर, कमलेश गुर्जर, राजेश गुर्जर, सुल्तान गुर्जर, दीपक गुर्जर, रीति शिवा गुर्जर, प्रेमचंद गुर्जर आदि उपस्थित रहे। भवानी मंडी में राजस्थान पटवार संघ के प्रदेश शाखा के द्वारा प्राप्त निर्देशानुसार सरकार द्वारा पटवार संघ के साथ किए समझौतों की पालना नहीं करने पर पटवार संघ की सभी उपशाखाओं ने उपखंड कार्यालय के सामने सरकार सद्बुद्धि यज्ञ का आयोजन कर सरकार को जागृत किया गया। भवानी मंडी में झालावाड़ बारा के सांसद दुष्यंत सिंह के जन्मदिवस के उपलक्ष्य में भवानी मंडी की छोटी गौशाला में गायों को चारा खिलाकर जन्मदिन मनाया गया और उनके स्वास्थ्य और दीर्घायु जीवन की कामना की गई। इस अवसर पर नगर पालिका अध्यक्ष पिंकी गुर्जर, प्रदेश सह प्रमुख विभाग एससी मोर्चा राहुल गुर्जर, राजस्थान युवा मोर्चा के मंडल अध्यक्ष संदीप पोरवाल, मंगलेश सिंह, मंडल अध्यक्ष आईटी विभाग हरीश सेन, तुषार पारेता आदि उपस्थित रहे। चौमेला, झालावाड़ वैश्विक परिदृश्य में आज देश की आबादी को कोरोना COVID-19 से खतरा बढ़ता ही जा रहा है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए चौमेला व्यापार संघ एवं आयुर्वेद विभाग के संयुक्त तत्वाधान में आमजन को आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों से निर्मित क्वाथ का मिश्रण पिलाने का पूरित कार्य शुरू किया गया। इसके लिए व्यापार संघ ने नगर के 3 प्रमुख स्थानों पर पॉइंट बनाए, जिनमें नगरवासियों सहित चौमेला में खरीद बिक्री करने आए ग्रामीणों ने भी काढ़ा पीकर कोरोना से बचने की कवायद की। झालावाड़ जिले के उन्हेल थाना क्षेत्र में बकरियों को चराने गया एक नाबालिग की शिप्रा नदी में डूबने से मौत हो गई। ग्रामीणों ने बताया कि बालक की चप्पल पानी में बह गई थी, जिसे वो निकालने गया और नदी के गहरे पानी में डूबने से उसकी मौत हो गई। उन्हेल पुलिस मौके पर पहुंची और बालक के शव को बाहर निकालकर CHC चौमेला की मोर्चरी में भिजवाया, जहाँ शव का पोस्टमार्टम करवा कर शव परिजनों को सौंप दिया गया। अच्छा, क्या मामला है? आज अभी 4 बजे करीब सूचना मिली थी कि एक बालक है शिप्रा नदी में डूब गया। इस सूचना पे ईटिया का खेड़ा नई आबादी पहुंचा तो वहाँ पता चला कि एक संजय पुत्र नारायण नायक, जो यहाँ का भाणेजक ईटिया का, बचपन से ही रहता था पानी में, शिप्रा नदी पानी में आज ये नहाते समय। रटलाई में भाजपा मंडल रटलाई द्वारा केक काट कर एवं गौशाला में गायों को चारा खिलाकर सांसद दुष्यंत सिंह का जन्मदिन मनाया। इस अवसर पर रिपोर्टर लखन टेलर, भाजपा जिला मंत्री अमरलाल लोधा, भाजपा मंडल महामंत्री इंद्र सिंह गुर्जर, वरिष्ठ नेता सुजान सिंह, जनपद रीना लोधा, राधेश्याम मेहर, छात्र नेता प्रशांत पोरवाल आदि भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। झालावाड़ में कोरोना संक्रमण को देखते हुए जिला कलेक्टर निकिया गोहायन व प्रशासन के द्वारा बाजार में घूमकर लोगों को मास्क वितरित कर कोरोना गाइडलाइंस की पालना करने की अपील की गई। जिला कलेक्टर निकिया गोहायन ने बताया कि लॉकडाउन के मद्देनजर रखते हुए अभी झालावाड़ जिले में कोरोना के जो हालात बने हुए हैं, उस स्थिति को सुधारने के लिए जिला कलेक्टर व पुलिस प्रशासन के द्वारा आमजन से कोरोना के नियमों की पालना करने की अपील करते हुए चाय की थड़ियों, छोटे दुकानदारों व फल विक्रेताओं को मास्क का वितरण किया गया। ज्यादा से ज्यादा और जागरूक किया जाए मास्क पहनने के लिए। सर, क्या इन चुनौतियाँ हैं? लेकिन हम सारी चुनौतियों को निपटने के लिए तैयार हैं। हमारी टीम इसके ऊपर पूरा प्रयास करेगी। लॉकडाउन 5 के बाद भी हम पूरे कोरोना को, जो अब भी झालावाड़ जिले में बिल्कुल कंट्रोल में है, तो उसको हम बिल्कुल कंट्रोल में ही रखेंगे। आज के समाचारों बस इतना ही, और भी अन्य ताजा खबरों के लिए देखते रहिए खबर 24 न्यूज। नमस्कार। इस बुलेटिन के प्रायोजक थे पद्मा पाइप्स।